और इसमें बड़ी खबर आपको बता दें, पोलैंड में रूस की मिसाइलें गिरी हैं, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। इस बीच जानकारी भी मिल पा रही है कि जो बाइडेन ने पोलैंड के प्रधानमंत्री से बातचीत की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस पर यह बड़ा आरोप है। यूक्रेन में रूस ने 90 मिसाइलें दागी हैं, अटैक किया है जिसमें भारी तबाही हुई है और जिसके कई दिल दहला देने वाले वीडियो भी सामने आ रहे हैं। जेलेंस्की ने यह भी आरोप लगाया है कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर से लगे दूसरे देशों पर भी हमले की चेतावनी दी थी, जिसके बाद पोलैंड को भी निशाना बनाया गया है। तो पोलैंड पर हुए मिसाइल हमले को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पोलैंड की मीडिया और अधिकारियों के आरोप बिल्कुल झूठे हैं। पोलैंड के किसी इलाके पर रूस की तरफ से मिसाइल अटैक नहीं किया गया है। रूस की आर्मी ने यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर कोई स्ट्राइक नहीं की है। इंडोनेशिया में दुनिया भर के दिग्गज नेता जुटे हुए हैं, जहां पर रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो रही है। दुनिया को शांति का संदेश दिया जा रहा है। इस बीच रूस की मिसाइल पोलैंड में जा गिरी है, ये बड़ा दावा किया जा रहा है, जिसके बाद यहां पर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई।